राज ठाकरे ने महाराष्ट्र सरकार को ये वार्निंग दी है कि किसी भी हालत में मस्जिदों से लाउडस्पीकर्स हटा दिए जाएं। उन्होंने मस्जिदों पर सवाल उठाते हुए कहा कि मस्जिदों में क्या होता है इसका पता ही नहीं है, और ईडी कभी मदारिस पर रेड क्यों नहीं करती। इन सवालात खड़े करने के साथ साथ राज ठाकरे ने यह भी कहा कि अगर मस्जिदों पर लगे लाउडस्पीकर नहीं हटाए गए तो मस्जिद के सामने हनुमान चालीसा लाउडस्पीकर पर चलाया जाएगा। गुड़ी पड़वा के मौके पर अवाम से खताब करते हुए राज ठाकरे ने यह मुतनाज़ा बयान दिया है। इसके अलावा भी बहुत कुछ कहा है राज ठाकरे ने, लेकिन इन सब में अहम बात यह है कि मस्जिद और मदारिस पर निशाना साधते हुए लाउडस्पीकर हटाने पर जोर दिया है राज ठाकरे ने। या मशिदींवरती लागलेले भोंगे हे खाली उतरवावेच लागतील, या सरकारला हा निर्णय घ्यावाच लागेल। नाहीतर आजच सांगतोय, आत्ता सांगतोय, ज्या मशिदीच्या बाहेर हे भोंगे लागतील त्याच्या दुप्पट समोर स्पीकर लावायचे आणि हनुमान चालीसा लावायचा। राज ठाकरे ने जो कहा है और जिस तरह से मस्जिदों और मदारिस पर निशाना साधा है वो काबिले अफसोस है, लेकिन इस पर कोई परेशानी की बात इस वक्त नहीं है। मुसलमानों को अब ऐसी बातें सुनने की आदत सी हो गई है। हिजाब, बायकॉट, हलाल और अब मस्जिद और मदारिस, जिसको जो करना है कर ले, यहाँ मुसलमानों को कुछ फ़र्क पड़ने वाला नहीं है। कौम लीडरों और उलमा के भरोसे पर मज़े में है, और उलमा और लीडरान इस पर न कल संजीदा थे और न अब होने वाले हैं, और इस वक्त तो बिल्कुल ही नहीं होंगे क्योंकि हम रमज़ान में मसरूफ़ हैं। वैसे भी मस्जिदों से हमें क्या लेना देना, हमारा रमज़ान तो बाज़ारों में गुज़रता है। लजीज खाने से लुत्फ उठाने और चंदा करने से हमें फुर्सत ही कहाँ है। बोलने दो बोलने वालों को, हम कॉम्प्रोमाइज़ कर लेंगे। यही कुछ हो रहा है और यही कुछ होता रहेगा। लेकिन आज अलामा इकबाल की दूरंदेशी पे नाज हो रहा है, क्योंकि इकबाल ने बहुत पहले ये कहा था कि तुम्हारी दास्तां तक भी न होगी दास्तानों में, और यकीन माने आज इस मिसरे पे हम खरे उतरते हैं। यस इंडिया के लिए शरीफ अहमद शरीफ की रिपोर्ट।